नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा पर स्टडी चैनल पर। फिर से दोस्तों आप सभी के बीच आज लेटेस्ट अपडेट के साथ में इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे। 79,000 को लेकर अधिकारियों से वार्ता हुई है और उसके बाद में दोस्तों यहां पे स्पष्टीकरण देखने के लिए मिला है। चाहे अगर बात करें 31,661 शिक्षकों की नियुक्ति के बारे में या फिर नई चयन सूची को लेकर, सुबह से ही अभ्यर्थी पूछते हुए दिखाई दें तमाम कमेंट्स के माध्यम से कि सर नई चयन सूची कब जारी होगी। हालांकि मैंने देर रात को आकर के आप सभी को जानकारी दी थी कि नई चयन सूची के बारे में कोई भी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है और ना ही दोस्तों ऐसा कोई शेड्यूल जारी किया गया है। लेकिन कुछ ऐसे आप सभी को जो सूचना प्रोवाइड कराने वाले हैं जो कि सूचनाओं के नाम पे कहीं ना कहीं दोस्तों गुमराह करते हैं, उनकी तरफ से आपको सूचनाएं दी गई हैं कि आपकी जो चयन सूची वो जारी होने वाली है। लेकिन हमारी तरफ से मैंने आपको पहले ही कहा था कि जब तक हम अधिकारियों से स्पष्टीकरण नहीं ले लेंगे, चाहे वो सत्य हो या फिर झूठ हो, आप सभी के सामने नहीं परोसा जाएगा। लेकिन आप सभी दोस्तों वीडियो को लाइक करने में कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ से जो आपको सूचनाएं दी जाती हैं वो शत प्रतिशत सही देखने के लिए मिलती है। लेकिन ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थी वीडियो देखने के बाद लाइक नहीं करते हैं। लाइक करने से सिर्फ आपको एक बटन दबाना पड़ता है, ना तो आपको पैसे मिलते हैं ना ही हमें उसके पैसे मिलते हैं। तो ऐसे में वीडियो को लाइक करने से कहीं ना कहीं थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है, जो कि रात को 12 बजे तक दोस्तों आप सभी के सामने सारी अपडेट बिल्कुल सत्य रखी जाती है। क्योंकि झूठी जानकारी आप सभी को दोस्तों कोई भी दे सकता है, लेकिन जब तक वो सत्य नहीं होगी आपको दोस्तों तसल्ली नहीं मिलेगी। हालांकि थोड़ी देर के लिए आपको दोस्तों यहाँ से राहत अवश्य मिलती है झूठ से, लेकिन बाद में नहीं मिल पाती है। जैसे कि अभी अभ्यर्थी 12 बजे के बाद से परेशान है, लगातार वेबसाइट चेक कर रहे हैं, लेकिन अभी लिस्ट जारी नहीं हुई है। तो ऐसे में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, अधिकारियों से वार्ता हुई है, मैंने कल भी आप सभी को बताया था कि लगातार जो मीटिंगों का दौर जारी है। कल देर रात लगभग दोस्तों 9:15 बजे तक मीटिंग देखने के लिए मिली अधिकारियों के बीच में, जहाँ पर तमाम मुद्दों को लेकर मंथन हुआ है। लिस्ट किस प्रकार बनानी है, किस प्रकार देखने के लिए मिलेगी, इसको लेकर कोई भी दोस्तों यहाँ पर शासन पर सहमति नहीं बनी है। सवाल यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है 8,000 शिक्षा मित्रों को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने पदों को रिजर्व करने के बारे में कहा तो था, लेकिन ये नहीं बताया था किस प्रकार रिजर्व किए हैं, ऊपर से या नीचे से। अब ऐसे में शिक्षा मित्रों किस कैटेगरी में रखा जाए, तमाम चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं और भी तमाम चीज़ों को लेकर दोस्तों लगातार जो मंथन है वो जारी है। तो ऐसे में जिनकी तरफ से आपको बताया गया कि लिस्ट तैयार हो गई है, कल देर रात 9 बजे तक जो मीटिंग चली है उसके बाद मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, किसी प्रकार का कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला और ना ही दोस्तों कोई लिस्ट तैयार की गई है। तो ऐसे में जिन समाचार पत्रों की तरफ से, समाचार न्यूज़ चैनलों की तरफ से या फिर आप सभी को यूट्यूबर्स की तरफ से जानकारी दी गई थी, वह दोस्तों पूरे तरीके से फेक थी, जिसके बारे में मैंने कल ही आप सभी को बता दिया था। ऐसे में आपको बताना चाहूँगा, शासन की तरफ से तमाम तरीके के दोस्तों प्रस्ताव सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से एक हफ्ते में कहा तो है, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तमाम तरीके के प्रस्ताव की वजह से अभी तक दोस्तों लिस्ट को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है किस प्रकार जो लिस्ट है बनाई जाएगी। शासन इस बात पर दोस्तों इच्छुक है कि 31,000 भर्ती बढ़े, लेकिन कैसे बढ़ेगी अभी तक इसको लेकर निर्णय नहीं हो पा। तो ये तो दोस्तों बात हो जाती कल शाम तक की, लेकिन ऐसे में बताना चाहूँगा आज सुबह से लगातार अभ्यर्थी की तरफ से जो जानकारी लेने की कोशिश की गई है उनकी तरफ से कल शाम तक का बता दिया गया है। ऐसे में आज के बारे में जानकारी दी गई है कि अभी भी यहाँ पे जो मीटिंग है वो जारी है, देर शाम तक मीटिंग चलने की आशंका है और इसके बारे में अगर कोई सहमति बनती है, चाहे वो लिस्ट को लेकर हो या फिर आपके शेड्यूल को लेकर हो या आपकी नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर हो, जैसे ही कोई जानकारी होगी तो आपको बता दी जाएगी, ऐसा आश्वासन अधिकारियों की तरफ से दिया गया है। मतलब स्पष्ट ये है कि अभी तक ना तो किसी लिस्ट के बारे में कोई चीज़ें देखने के लिए मिली है और ना ही कोई लिस्ट यहाँ पर तैयार हुई है। लगातार शासन प्रशासन की मीटिंग जारी है, सोशल मीडिया पर जिस प्रकार की आपको जानकारी दी जाती है उनसे आपको बचने की आवश्यकता है। अभी आधिकारिक तौर पर किसी प्रकार को लेकर दोस्तों यहां पर कहीं ना कहीं सहमति बनती हुई दिखाई नहीं दे रही, जिस वजह से आपको दोस्तों यहां से अभी तक कोई लिस्ट आती हुई दिखाई नहीं दी है। तो ऐसे में बताना चाहूंगा जो अभ्यर्थी नई चयन सूची का इंतजार कर रहे हैं या फिर अगर बात करें 31,000 के शेड्यूल को लेकर इंतजार करते हुए दिखाई दें, उनको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। सरकार का एक हफ्ते में कहा तो है, लेकिन इसमें अभी समय लगना तय है। दूसरी तरफ आप सभी को बताना चाहूँगा एलटीगेट शिक्षकों के बारे में भी, लेकिन जो 69,000 का ऑर्डर है उसके बारे में लगातार जानकारी लेने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो AOR हो या फिर ASG भाटी मैम की तरफ से भी कोशिशें देखने के लिए मिल रही है कि 69,000 के ऑर्डर के बारे में जानकारी ली जाए, लेकिन अभी तक नहीं निकली है। अगर
कहाँ से भी कोई सूचना निकलती है तो आप सभी को सबसे पहले प्रोवाइड करा दी जाएगी। ये दोस्तों बात हो जाती है 69,000 के बारे में, लिस्ट को लेकर साथ में आपकी चयन सूची के बारे में। दूसरी तरफ एल टिकट शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिल रही है हिंदी सामाजिक रिजल्ट को लेकर। काफ़ी लंबे समय से अभ्यर्थी यहाँ इंतजार कर रहे हैं, ऐसे में दोस्तों आज सुनवाई थी हाईकोर्ट। तो यहाँ पर दोस्तों आयोग की अगर बात करें, वकील की तरफ से जानकारी दी गई कि हिंदी सामाजिक का जो रिजल्ट है वो आगामी 2 हफ्ते के अंदर यहाँ पर घोषित कर दिया जाएगा। ऐसी जानकारी दोस्तों लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की तरफ से दी गई और साथ में उनके वकील की तरफ से दी गई है। तो ऐसे में बड़ी राहत दोस्तों उन अभ्यर्थी के लिए जो काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। कोर्ट ने इस पर एक टिप्पणी भी की है कि 2 हफ्ते नहीं 4 हफ्ते के अंदर दे दो, लेकिन काफ़ी लंबे समय से मामला लटका हुआ है, चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, सब कुछ आपको देखने के लिए मिल गया। तो ऐसे में जल्द यहाँ से रिजल्ट जारी कर दिया जाए तो अच्छी खबर है दोस्तों एल टिकट शिक्षकों के लिए। दूसरी तरफ नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी 28 तारीख को धरना प्रदर्शन भी देने वाले हैं। लगातार अभ्यर्थी ने बहुत सारे धरना प्रदर्शन दिए हैं, उसी का परिणाम दोस्तों आपको हिंदी सामाजिक देखने के लिए मिल रहा है और साथ में पूरी एल टिकट शिक्षक भर्ती भी है। ये थी दोस्तों अभी अभी के लेटेस्ट अपडेट। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।